भारत में वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सरल भारत न्यूज एक लेक्चर सीरीज ला रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता, जिसमें आपको कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इन सभी की जानकारी आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस से संबंधित टॉपिक बजटिंग। आखिर हम अपने घर की बजटिंग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट ट्रैकिंग योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको ट्रैक करना है आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उन सभी को आपको ट्रैक करना है। उसे आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके द्वारा आप आपके मंथली एक्सपेंसेस को आप उसमें नोट कर सकते हैं, या फिर आप जो ट्रेडिशनल तरीका है जैसे कॉपी पेन के थ्रू आप एक रजिस्टर बना सकते हैं, उसमें आप मंथली जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको नोटिस कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा हमारे बजटिंग का, वह होगा आइडेंटिफाई फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमें फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। आखिर फिक्स एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यानी जो स्थाई खर्चे होते हैं वह कौन कौन से, जैसे किराए का खर्चा हुआ, रेंट हो गया, मॉर्गेज हो गया, कार पेमेंट हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल, बिजली बिल हो गया, जिस ये सभी फिक्स वेरिएबल्स होते हैं यानी स्थाई खर्चे होते हैं, और वेरिएबल्स यानी ऐसे खर्चे जो अस्थाई होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो कौन से होते हैं, हर महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं ये वेरिएबल्स, जैसे पार्टी हो गया, या ग्रोसरीज हो गया, या पेट सप्लाई हो गया, या अचानक से कोई प्लानिंग बन गई कहीं पर घूमने फिरने की तो वो खर्चा हो गया, या फिर कंसर्ट टिकट या मूवी का टिकट हो गया, जो महीने में वेरी करते हैं, मतलब बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इन सभी खर्चों को आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहला पॉइंट होगा हमारा मंथली ट्रैक करना है, यानी स्टार्ट ट्रैकिंग योर मंथली एक्सपेंसेस, यानी हमारा मंथली खर्चे को ट्रैक करना है। देन उसके बाद हमें पहचानना है कि स्थाई खर्चे कौन से हैं और अस्थाई खर्चे कौन से हैं। देन उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा हमारा एड अप टोटल्स, यानी हमने दो तीन महीने क्या किया, अपना पूरा जो जितना भी एक्सपेंसेस होता है मंथली, दो तीन महीने हमें उनको नोट करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर थ्री मंथ हमें एवरेज निकालना है कि आखिर हम कितना मंथली खर्च कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे ऐसे खर्चे नॉन नेसेसरी खर्चे हैं उनको हमें कैटेगराइज करना, हमें मतलब देखना है कि हमने किस कैटेगरी में कितने खर्चे किए हैं, तो उन कैटेगरी को हमें डिसाइड कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है आफ्टर थ्री मंथ के हमने किस कैटेगरी में कितने खर्चे किए हैं, और एवरेज निकाल लेना है कि हमने पर मंथ कितना खर्चा किया है। देन हमारा जो अगला पॉइंट होगा बजटिंग का, वह होगा स्टडी योर वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब हमें उन वेरिएबल्स यानी ऐसे खर्चे जो अस्थाई खर्चे हुए हैं मंथ के बीच में, हमें उन खर्चों को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो कौन से खर्चे हैं जिनके बिना हमारी लाइफ चल सकती थी। देन उसके बाद हमें ईमानदारी से क्या करना है, उन खर्चों को कट करना है, हमें हार्ड डिसीजन लेना है और उन खर्चों को कट करना है जिनके बिना भी आप रह सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा अगला पांचवा पॉइंट होगा फैक्टर इन सेविंग। अब हमें सेविंग पर भी ध्यान देना है, मतलब जो खर्चे हमारे काटने के बाद बच रही है सेविंग, उस सेविंग के लिए हमें क्या करना है, उस सेविंग को हमें बैंक अकाउंट या फिर सेव करके रख लेने हैं। सबसे आसान तरीका है अपने बैंक अकाउंट में उस खर्च उस सेविंग को रख लीजिए। नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप पर भी आपको खर्च करना है, वह आपको लाइफ टाइम डिविडेंड देगा, यानी उसका लॉन्ग टर्म में आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। यानी सेविंग करना है और अपने आप पर भी खर्च करना है, अपने आप को और ग्रो डेवलप करने के लिए। देन हमारा जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट होगा बजट बनाने के लिए, जेन नाउ सेट योर गोल, यानी जो अगली बार हम बजट बनाएंगे तो उन सभी में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आखिर हमने कहाँ खर्च किया है, कितना खर्च किया है। इन पांच पॉइंट के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है, जेन अगली बार जब हम आफ्टर थ्री मंथ जब हम बजट बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है कि ऐसे खर्चे जो नॉन नेसेसरी खर्चे हुए हैं उनको हमें कट कर देना है। देन उसके बाद
जितनी भी सेविंग होगी उस सेविंग को आगे कैसे इन्वेस्ट करना है, आगे उसको कैसे ग्रो करना है, यह आपको आगे आने वाले वीडियोस होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। उसमें आपको मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो आपकी सेविंग बच रही है उसको आप और आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को, जो बजटिंग की प्रोसेस है, इसको आपको हैबिट बना लेनी है, लाइफ टाइम आपको हैबिट बना लेनी है, और इसकी जो बेनिफिट मिलेंगे भी लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कैपिटल धीरे धीरे ग्रो हो रही है, आपके एक्सपेंसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डेब्ट भी आपका कम हो रहा है, लोन भी आपका कम हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी सेविंग है आपको कितनी सेविंग रखना है और कितनी सेविंग को आपको आगे ग्रो करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आगे आने वीडियो में सरल भारत न्यूज पर जो लेक्चर सीरीज चल रही है फाइनेंस से संबंधित, उस लेक्चर सीरीज में आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे, ऐसे आइडियाज बताए जाएंगे कि आप अपनी कैपिटल को और ग्रो कर सकते हैं, आप मिडिल क्लास से और रिच क्लास में आ सकते हैं। आई होप आपको यह सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाऊंगा, तो आज के यह बेसिक पॉइंट है, धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे और आपको जितने भी वित्तीय साक्षरता से संबंधित जानकारी है आपके साथ शेयर की जाएगी और आप अपने पैसे मनी मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद। तो इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आगे आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं अपनी इस कैपिटल को और सेव करके।